उठिए जाओ पना, जाओ पना। सलीम के अब्बू क्या हो गया? अब्बा हुजूर, उठिए, 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 उठिए। बैठ जाइए, आप सब लोग बैठ जाइए। महाराज ऐलान करेंगे। चलिए चलिए, जल्दी ऐलान कीजिए। चलिए, कीजिए ऐलान कीजिए। ए तोंती दादा है? ये हम तिधर आ गए हैं? क्या? हमारी अम्मी कहाँ है? अम्मी कहाँ है हमारी? जहाँ पना, आपको क्या हो गया? आप कौन है खाला? खाला? हाँ, जहाँ पना, हम आपकी बीवी है। हमारी बीवी कैसे हो सकती है? हमारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। हाँ? और अगर हमारी शादी होगी तो हम वैसे भी इतनी मोटी और बड़ी औरत है, शादी क्यों करेंगे? मोटी औरत? अब्बा हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? इतना बोला आदमी हमको अब्बा तू दे रहा है? नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी अम्मी कहाँ है? हमारी अम्मी, हमें अपनी अम्मी के पास जाना है। अम्मी एक मिनट दूध दे, हम ना अपने घोले पे जाते हैं, घोले के पास, अम्मी के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। तोल घोले, तोल तबक तोड़। हे भगवान, ये सब उस साधु के श्राप की वजह से हुआ है। दरबान, दरबान, जाओ उस साधु को ढूंढो, देखो वो कहाँ गया है। जाओ। सही बात, मुझे पता है वो कहाँ गए होंगे। कहाँ? श्राप लेने। श्राप लेने? हाँ, उन्होंने फूफू को श्राप दे दिया। अगर साधु बाबा को किसी और को श्राप देना होगा तो फिर वो कहाँ से देंगे? इसलिए वो नया श्राप लेने के लिए गए होंगे, है ना? चुप कर बेवकूफ, और जाओ तुम दोनों जाकर देखो वो साधु कहाँ गया है, ढूंढो उसे। जी अम्मी जान। अरे तुम सब लोग हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ साधु को ढूंढ कर लाओ। जाइए। जाओ। अरे तू कहाँ जा रहा है? पंखा मार, पंखा मार। हाँ बोलिए। बहना, रतनगढ़ के हमले के बारे में हमें सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला खटाई में पड़ गया। हाँ ठीक है ना भाई साहब, ठीक बोल रहे। रतनगढ़ के मामले को सोचना छोड़ दीजिए, बस हमला कर दीजिए। बिना जहाँ पनाह के आदेश के एक सैनिक युद्ध के लिए तैयार नहीं होगा। तो उस एक सैनिक को छोड़कर बाकी सारे युद्ध कर लो ना। बहना बहना, हमारे कहने का मतलब है कोई भी सैनिक तैयार नहीं होगा युद्ध के लिए बिना जहाँ पनाह के आदेश के। तो भाई साहब क्या करें? क्या करें? क्या करें? सोचे ना। हाँ तो सोची तो रहा हूँ। ये चोरियाँ छोड़िए, सोचिए। लगता है जहाँ पनाह घोड़े से गिर गए। गिर गए? आइए। सुबह से रात हो गई लेकिन बीरबल अब तक हमसे मिलने नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ही वहम हो गया? वहां कोई नकाब वाली औरत थी ही नहीं, हो सकता है हमारी नजरों को धोखा हो गया। हे भगवान, हम क्या करें? लगता है बीरबल हमसे नाराज है। हम कल सुबह जाकर उनसे माफी मांग लेंगे। कल सुबह क्यों, हम अभी जाकर उनसे माफी मांगी। बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल, आपने हमें एक बहुत बड़े धर्म संकट से बचा लिया। अरे ये तो हमारा फल था दापना। वैसे बच्चा बनाकर हमने आपको परेशानी में डाल दी। नहीं 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 बीरबल, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। आप वैसे बच्चे का अभिनय बहुत खूब कर रहे हैं। अरे शायद आपको पता नहीं है, अभिनय तो हम कमाल का करते आए हैं बचपन से। अच्छा? हाँ, अरे एक बार हम अपने अब्बा हुजूर के सामने दास बन के आ गए। उन्होंने हमें पहचाना ही नहीं। अब उनके सामने हमने अपना शाही गुलदस्ता तोड़ दिया। हाँ? वो इतना गुस्सा हुए, पूरे दिन हमें कोड़े मारते रहे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि हम है कोई दास नहीं। आप कोड़े खाते रहे? हाँ, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि हम है। कमाल का अभिनय किया होगा आपने। ये तो कुछ भी नहीं है बीरबल, औरत का अभिनय जो हम कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है? चलिए हम अभी आपको औरत का अभिनय करके दिखाते हैं। अच्छा? हाँ, आइए। बीरबल, आप हमसे प्यार तो करते हैं क्योंकि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बीरबल बीरबल, हमसे वादा कीजिए कि आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम तो दीवाने हैं आपके। दीवाने? दीवाने तो हम आपके प्यार में हो गए हैं प्रिय। बस बस हमसे ये वादा कर दीजिए
कि आप हमेशा 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 के लिए बस हमारे सिर्फ हमारे होकर रहेंगे। वादा कीजिए बीरबल, वादा कीजिए, वादा कीजिए। अब हम आपसे वादा करते हैं प्रिय, वादा करते हैं। जागते रहो। हाय दया। अरे वाह, दीवाने तो हम आपके प्यार में हो गए हैं प्रिय। आपका ये जो असली चेहरा है ना, हमारे सामने आ गया है। हमारे पास एक ही चेहरा है और वो यही है, हमेशा आपके सामने रहता है। आपने जो देखा वो नाटक था। अच्छा, वो नाटक था या फिर ये नाटक है जो आप हमारे साथ कर रहे हैं? हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी मत कीजिएगा और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाइएगा मुझे। बादशाह अकबर को धर्म संकट से निकालते निकालते हम खुद धर्म संकट में फंस गए। अब हमें कौन निकालेगा? बहुत नाइंसाफी हुई है, बताइए ना भाई साहब। मैके पर जो हाँ बोलिए आप। लगता है रतनगढ़ पर हमले का वक्त। अरे ये कौन बोला? कोई नहीं।